देखिए छोटा सा वुल्फ बहुत गुस्से में घूम रहा है यहाँ पे। ये जो माइलस्टोन है 342 किलोमीटर है, 1885 का रेलवे लाइन जो है वो एक पटड़ी उसकी मौजूद है अभी तक और बड़ी अच्छी हालत में। एक और ही बहुत दिलचस्प जो है वो बोर्ड आ गया, ड्राइवर्स यू हैव बीन वार्न्ड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई छोटी सी वीडियो का आगाज़ किया है। इस एंटीक रेलवे स्टेशन पे कोलपुर पे मैं आपको लेके आया हूँ और यहाँ पे पुराना यार्ड आपने देखा है जिसकी 14 लाइंस हैं। तो अभी मैं पटड़ियाँ आपको दिखाता हूँ कि कितनी पुरानी यहाँ पे बिछी हुई हैं, कोई एंटीक अगर मिलती है तो सबसे पहले ये वाली जो पटड़ी है इसको चेक करते हैं। इस पर मैंने देखा है यहाँ पर, ये देखें जी 1891-75 LBS। इसके अलावा ये कंपनी है जिसने ये बनाई थी, वेस्ट कंप्लेंट। तो दोस्तों अभी आप वीडियो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे पुरानी लाइंस कितने साल पुरानी बिछी हुई हैं। तो एक और लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1927 की लाइन बिछी हुई है। और 90 LRBS इसका कोड है और इसका जो स्लीपर है वो देखें, वो 1922 का बिछा हुआ है। तो और मज़ीद लाइन भी आपको दिखाते हैं। और ये लाइन बिछी हुई है कोलपुर के यार्ड के अंदर। अच्छा एक और लाइन देखें, मुख्तलिफ डेट्स की लाइन आपको दिखा रहा हूँ मैं जो मुख्तलिफ ईयर्स में बनी हुई हैं। ये 1891 की लाइन अभी तक बिछी हुई है, 75 LBS यानी कि 75 पाउंड की ये लाइन है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। और ये इसका ब्रांड है। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे 70 LBS 1885 का रेलवे लाइन जो है वो एक पटड़ी उसकी मौजूद है अभी तक और बड़ी अच्छी हालत में। बीवी एंड कंपनी स्टील ISR 75 LBS 1885 ये एक और कंपनी है। अच्छा एक और लाइन में आपको दिखाता हूँ, 75R लिखा हुआ है इस पर, BS कंपनी स्टीलटन 1962 PRS। तो ये एक और डिफरेंट लाइन है। लाइंस तो आपको दिखाई हैं, अभी आपको फिश प्लेट एक मुझे नज़र आई है, ये दिखाता हूँ मैं। फिश प्लेट जो है ये लगी हुई है इस लाइन पे, 1886 की बनी हुई है ये फिश प्लेट जो दो लाइनों को आपस में जोड़ती है। लाइंस हम देख रहे हैं साथ साथ, ये ब्रांड न्यू लकड़ी के स्लीपर पड़े हुए हैं जो अभी यूज़ नहीं हुए हुए। और ये साथ इस्तेमाल शुदा कंडम हालत के लकड़ी वाले स्लीपर पड़े हुए हैं। अच्छा एक दो लाइंस और मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक लाइन बिछी हुई है 75 LBS, उसके बाद RBS कोड है इसका, यवाटा 11 रोमन में लिखा हुआ है और 1954 1954 की लाइन अभी तक बिछी हुई है। पर इससे बहुत पुरानी लाइंस भी आपको दिखा चुका हूँ। और साथ ही यहाँ पे एक और लाइन भी है जो 1962 की है बनी हुई। मज़ीद भी देखते हैं अगर कोई और पुरानी नज़र आती है लाइन। अच्छा एक फ़िश प्लेट दिखाता हूँ आपको, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की फ़िश प्लेट बनी हुई है
और 1927 की है बनी हुई, तकरीबन कितने साल हो गए, 95 ईयर ऑलमोस्ट पुरानी है, 100 साल ही कह लें, 100 साल पुरानी फिश प्लेट लगी हुई है अभी तक और काम कर रही है। अच्छा, ये एक स्लीपर देखें, ये 1949 पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद का बिछा हुआ है और मौजूद है अभी तक। तो दोस्तों, काफ़ी सारी लाइंस मैं आपको दिखा चुका हूँ, काफ़ी पुरानी पुरानी लाइंस निकली हैं और एक यूनिक नंबर निकला आया है अभी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा अंधेरा है इधर अंदर, शायद नज़र आ जाए। 1947 की ये लाइन बिछी हुई है यहाँ पे, 1947 यौम आज़ादी का साल है और 75 LBS की ये रेलवे लाइन है, 75 पाउंड वजनी। तो ओल्डेस्ट रेलवे लाइन हंट जारी है। सबसे पुरानी जो रेलवे लाइन अभी तक हम देख चुके हैं वो 1885 की बनी हुई है, क्वाइट ओल्ड, तकरीबन 140 साल पुरानी लाइन अभी तक बिछी हुई है। और आखिरी लाइन आपको मैं दिखा दूं जो कि मेन लाइन है जिस पे से ट्रेन्स रोज़ाना गुजरती हैं, वो 1945 की बनी हुई है। ये देखें, ये मेन लाइन है, सामने टनल है। इस वक्त मैं ट्रैक कर रहा हूँ ML3 के ऊपर और ग्रेडियंट सेक्शन है, डाउन ग्रेडियंट स्टार्ट हुआ हुआ है सेक्शन। कोलपुर से मैं निकला हूँ और जा रहा हूँ मैं माशाल्लाह होटल, और इस माशाल्लाह होटल और ML3 हाइकिंग के ऊपर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे सब दोस्त हैं, कोयटा के रेल फैन यूसुफ भाई हमारे साथ हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है यूसुफ भाई? ठीक ठाक है। आज यार आप तो हमें घुमाते रहे हो जगह जगह पे, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ, उसके बाद इब्राहिम है हमारे साथ, वालेकुम सलाम, और बिलाल भी साथ है हमारे। तो अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये क्लियर का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर का बोर्ड का मतलब है कि जो पीछे से आने वाली जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म हो गई हैं यहाँ पे, तो इससे आगे जो सेक्शन की परमिसिबल स्पीड है वो स्टार्ट हो गई है। तो क्लियर का मतलब ये है कि स्पीड रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म और ट्रैक की जो स्पीड है अब ट्रेन उस पर चलेगी। तो इधर सेंटर में हम आ जाते हैं, सेफ जगह है। तो अभी आपको हम ले कर चल रहे हैं बोलान पास के अंदर, बिल्कुल देखें खुश्क एरिया है, वो एक साइड पे ग्रीनरी नज़र आ रही है और कुछ प्लांटेशन भी है वहाँ पे। अच्छा, माइलस्टोन देखें अभी, ये जो माइलस्टोन है 342 किलोमीटर है और नीचे 15 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 342 किलोमीटर का मतलब है कि इसका जो ML3 का रोडी से जो फासला है यहाँ तक का, वो ये फासला लिखा हुआ है। अभी ये ग्रेड देखें आप, डाउन ग्रेड जा रहा है, हो सकता है इस लेंस से आपको नज़र आ रहा है या नहीं, बहुत स्टीप है यहाँ पे। और जैसे कि आपने एक वीडियो में मेरी देखा होगा जिसमें कोलपुर के स्टेशन मास्टर साहब थे, वो बता रहे थे कि 1/33 फीट यानी कि 33 फीट अगर आप ट्रैवल करेंगे तो ट्रैक 1 फुट डाउन हो जाएगा। तो ये वो एरिया है। ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है दोस्तों, और उतनी आवाज़ अभी साउंड क्वालिटी क्या आ रही होगी। अच्छा, सामने कुछ और बोर्ड्स आ गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाला बोर्ड देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टॉप टेस्ट ब्रेक्स। तो सादा सी बात है कि लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर को बताया गया है कि यहाँ पे गाड़ी रोके और गाड़ी रोक के अपनी जो ब्रेक्स हैं वो चेक हो जाएंगी आपकी जब आप रोकेंगे। उसकी रीज़न ये है कि आगे बहुत ही गहरी जो है उतराई स्टार्ट हो रही है। और साथ वो दूसरा बोर्ड लगा हुआ है दूसरी लाइन के साथ, उस पर भी सेम यही इबारत जो है वो लिखी हुई है। तो बेसिकली सेफ्टी है, ये सेफ्टी के लिए दोनों बोर्ड जो हैं अवेज़ा किए गए हैं यहाँ पे। और सामने आपको एक 30 का बोर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस 30 के बोर्ड का मतलब है कि इससे आगे जो स्पीड होगी ट्रेन की वो 30 किलोमीटर फी घंटा होगी। तो भाई वो उसकी रीज़न है साफ सी कि बहुत ही ख़तरनाक उतराई है, तो इससे तेज़ चलाएंगे तो नुकसान होगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये देखें ये दो लाइंस इकट्ठी लगी हुई हैं एक साइड पे,
ठीक है। इसी तरह जो ये वाला ट्रैक है इस पर भी दो लाइंस इकट्ठी लगी हुई हैं, तो इसको बेसिकली गार्ड रेल कहते हैं। जहाँ पे ख़तरनाक मोड़ होते हैं, उतराई होती है, तो ट्रेन के व्हील को अपने जगह पे रखने के लिए इस तरह की गार्ड रेल लगाई जाती हैं जो सेफ्टी का काम करती हैं। अच्छा, एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, ये 273 नंबर लिखा हुआ है, क्यू भी लिखा हुआ है नीचे, 273 नंबर। ये एक पुल है, रेलवे ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, बोलान पास के ऊपर आप देख रहे हैं। तो ये इस ब्रिज का नंबर है जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है, और वो रास्ता बना हुआ है, कच्चा रास्ता है, और ये ऊपर जो स्टोन क्रशिंग वगैरह होती है उसके लिए पहाड़ के ऊपर ये रास्ता जा रहा है। ये नहीं दोस्तों, एक और ही बहुत दिलचस्प जो है वो बोर्ड आ गया, ड्राइवर्स यू हैव बीन वार्न। इसका मतलब ये है कि भाई आपको बता दिया ड्राइवर साहब, ज़रा ध्यान करें और जो कुछ आपको बताया है उसको जहन में रखें। तो बेसिकली वार्निंग दी गई है ड्राइवर्स को कि आगे मोड़ है और उतराई है, जो पीछे आपको 30 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड बताई गई थी उसके ऊपर अपने आप को ट्रेन को रखना है आपने। तो अभी आप दोस्तों देख रहे हैं बोलान पास ML3 रेलवे ट्रैक हाइकिंग। उम्मीद है ये थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट मैं बना रहा हूँ, आपको पसंद आएगा। यूसुफ भाई मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है भाई, आपको मज़ा आ रहा है? मुझे तो बहुत आ रहा है यार, मैं तो आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। ज़बरदस्त, इस किस्म का काम सारी रात भी कर सकते हैं यार। कंटेंट क्रिएट जो जहाँ हो रहा है ना, जहाँ पे आपको कुछ मिल रहा है दिखाने को, तो वो हम करते हुए नहीं थकते, जोश और जज्बे से हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हिम्मत नहीं हारेंगे। अच्छा, चलते चलते एक स्पाइक मिल गया, निकला हुआ है ये किसी एक रेलवे लाइन से, तो ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। इसको इधर ही फेंकते हैं अभी कहीं साइड पे। अच्छा, थोड़ा सा आगे आए हैं तो यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ नज़र आ रहा है, झूले लगे हुए हैं सामने इस साइड पे, और इस साइड पे बहुत ही खूबसूरत एक होटल बना हुआ है, तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम लग रहा है ये, साथ ही रोड भी है। और सुना है कि यहाँ पे जो है ज़ू भी बनाया हुआ है, तो चिड़ियाघर अगर हुआ तो वो भी दिखाएंगे उसमें क्या है आपके। तो ट्रैक हाइकिंग हमारी जारी है बोलान पास के ऊपर। दोस्तों देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त जगह है, पीछे ट्रैक देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर हमने ट्रैकिंग की है, और नीचे जो होटल नज़र आया है, तो अभी प्लान है कि वहाँ नीचे चलते हैं, तो वहाँ जाके कोई कहवा वगैरह पीते हैं। तो बड़ा मज़ा आया मुझे तो इस ट्रैक पे करके, छोटा सा कंटेंट बनाया मैंने आपके लिए, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नीचे चलते हैं और नीचे जाके एक्टिविटी देखते हैं कि नीचे क्या है। ये नीचे होटल में आ गए हैं, और उसके साथ ही ये ज़ू बना हुआ है, और एक ये छोटा सा वुल्फ बहुत गुस्से में घूम रहा है यहाँ पर। वो सामने ऊपर रेलवे ट्रैक है जहाँ भी हम हाइकिंग कर रहे थे, और वहाँ से नीचे उतर आए हैं उस रास्ते से, और दरमियान में ये एक नाला सा बना हुआ है इसको, और ये देखें ये बड़े वाले वुल्फ यहाँ पे। चार के करीब है यहाँ पे।